हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, दो कलर का केबल का डिज़ाइन हमने बनाया है। बहुत ही सुंदर ये बना है और ये किसी की फरमाइश थी कि मैम आप ये डिज़ाइन बनाकर बताइएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल अलग है। ये देखिए आप, यहाँ पर रेड कलर है तो इस साइड दूसरा कलर आ गया है, यहाँ पर रेड कलर है तो इस साइड दूसरा कलर आया है। आप इससे कार्डिगन कोटी में भी बना सकते हो, आप इससे कैप भी बना सकते हो, किसी में भी आप इसको बनाएंगे बहुत ही सुंदर ये बनेगा। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे डाले हुए डिजाइन देख सकते हैं, जिसमें मैं सिलाई और क्रोशे के ही डिजाइन बताती हूँ। मैंने काफी अच्छे अच्छे डिजाइन डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे डिजाइन देखिए और आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, सॉक्स, मोजे, कार्डिगन, कैप वगैरह की बिल्कुल अलग अलग आपको मिलेंगी, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो, और आप पसंद भी उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। और आप मुझे फेसबुक, मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें, वहां पर अगर आपने कोई डिजाइन भेजना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। जैसे मुझे ये डिजाइन भी किसी ने भेजा हुआ है तो उन्हीं की तरह, और भी मैम, एक मैम है तो मंजू मैम, तो उन्होंने एक ब्लाउज भेजा हुआ है तो ब्लाउज भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। थोड़ा टाइम अभी मेरे पास नहीं है तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो चीज भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले चैन बनानी है। चैन आपने तीन तीन डबल क्रोशिए की अकॉर्डिंग बनानी है, यानी कि तीन ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तीन चैन को हमने स्किप करना है, फिर तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके आपने पहले ही ये चैन बना लेनी है। तो ऐसे ही मैंने इसको बनाया है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने चार चैन स्किप करनी है और दो बार धागा लपेटेंगे हम क्रोशी के ऊपर, और चार चैन छोड़ने के बाद में इसके अंदर हमने डाल के इसको बनाना है। तो ऐसे करके दो दो बार करके हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, दो बार धागा लपेटा और यहाँ पर अगली चैन के अंदर हम इसको डालकर बनाएंगे। तो देखिए, दो तीन चैन हमारे पास में हो गई हैं। फिर हमने यहाँ पर तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, और तीन ही चैन हमने यहाँ पर स्किप करनी है। एक दो तीन, चौथी चैन के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और इसको हमने दो करके ऐसे करके निकालना। तो ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो आप देखिएगा इसको अभी, डिज़ाइन हमारा लास्ट में जाकर कैसे बनेगा। तो तीन चैन हमने बना ली हैं, तीन चैन हमने यहाँ पर स्किप करनी है, एक दो तीन। दो बार धागा लपेटना है और इस चैन के अंदर डालते हुए हम इसको बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसको बनाया है। अब हम ये चैन जो हमारे पास में धागा है इसको हमने यहीं पर छोड़ देना है, और बची हुई जो चैन हमारे पास में, तीन चैन हमने यहाँ पर रखनी है। देखिए, एक दो तीन ज़्यादा है लेकिन मैं इसको खोल देती हूँ तो हमारे पास में तीन ही चैन यहाँ पर बचेंगी। अब हमने यहाँ पर दूसरा धागा अटैच करना है। उसके लिए जो चैन हमारी बची हुई है, ये देखिएगा, एक डिज़ाइन हमने यहाँ से इधर को बनाया है, दूसरा डिज़ाइन हमारा यहाँ से बनेगा। तो लास्ट वाली चैन के अंदर हमने धागा डालना है और धागा डालने के बाद में ये देखिए, यहाँ पर हम चैन बनाएंगे तीन, एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे और इस चैन के अंदर भी हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे करके दो बार धागा लपेटेंगे और यहाँ पर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तीन चैन बनाएंगे हम यहाँ पर, एक दो तीन, फिर तीन बार धागा लपेटेंगे और ये देखिएगा, इस चैन के अंदर भी हमने तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाना है।
ऐसे करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है, तीन तीन बार करके हमने इसमें धागा डालना है। देखिए तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। इसके बाद हमने यहाँ पर भी तीन ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। एक ट्रिपल क्रोशिया इस साइड को है ये देखिए, और एक हमारा इस साइड को आ गया है। अब हमने इसी को हम बना रहे हैं, तो ये देखिए तीन चैन हमने यहाँ पर बनानी है, एक दो तीन, और इसको हम घुमा लेते हैं। और फर्स्ट वाली चैन हमने छोड़नी है, सेकंड चैन के अंदर हमने क्रोशिया डालकर और ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाना है। तो देखिए दो बार धागा लपेटा और इसके अंदर डालेंगे, और दो दो करके हमने इसको निकाल देना है। फिर यहाँ पर हमने क्रोशिया डालना है, ये देखिए लास्ट वाली चैन के अंदर हमने क्रोशिया डाला है, और इसको हमने ऐसे करके घुमाना है। और जो डिज़ाइन हमारा ये वाला डिज़ाइन है, इसके अंदर लास्ट वाली चैन को हमने इसके अंदर डालना है, और यहाँ से हम इसको ऐसे लाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना देना है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटेंगे। और अब आप देखिए हमने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बना दिया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आराम से, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन हमने बना दिया है। ये चैन हमने स्किप करनी है, ये वाली चैन स्किप करनी है। इस चैन पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इसके साथ में हमने इस वाली चैन को अटैच करना है। देखिए इस डिज़ाइन के साथ में इस वाली चैन को अटैच करना है। इसके लिए यहाँ पर दो बार धागा लपेटेंगे, और ये चैन हमने स्किप करनी है। जो तीन चैन हमने बनाई है, फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हमने क्रोशिया डालकर, और इसको हम इस चैन के साथ में यहाँ पर तीन बार हमने इसको निकालना। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको इस चैन के साथ में डिजाइन बनाना है। दो बार धागा लपेटा, लास्ट वाली चैन के अंदर डालेंगे, और फिर ये वाली चैन हमने यहाँ पर इसके साथ में अटैच करके बनानी है। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटेंगे, और इस चैन को स्किप करना है, और ये लास्ट वाला हम इसके अंदर डाल के और इस चैन के साथ में हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ऐसे करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दी है। अब हमारी दूसरी वाली रो जो है वो इस धागे से बनेगी, क्योंकि इसको हमने डबल कर दिया है। अब देखिएगा ये रेड वाला धागा हमने यहीं पर छोड़ देना है, और इसके साथ में हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद में फर्स्ट वाली रो हमने स्किप करनी है। डबल क्रोशिया हम धागा लपेटेंगे, और ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर इसको बनाना है। देखिए अब लास्ट वाला जो हमारे पास में है, इसको हम ये वाले जो डिज़ाइन है हमारा रेड वाला, इसको हमने अपनी तरफ को ऐसे पुश कर देना है। इसके साथ में हमने देखिएगा जो यहाँ पर हमारे पास में ये डिज़ाइन है, इसको हमने अटैच करना है। दो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है, तीसरा हम यहाँ पर बनाएंगे। दो दो करके हमने इसको निकालना है, दो दो दो। तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन।
तीन चैन बनाने के बाद में फिर धागा लपेटेंगे और ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पर ऐसे पुश कर देना है। ये देखिए, इसके साथ में हमने ये वाली चैन, बैक साइड की चैन होगी और आगे का ट्रिपल क्रोशिया होगा, इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने दो दो करके ऐसे निकाल देना। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे और इसके साथ में इस वाली चैन को अटैच करना है। लास्ट वाली के साथ में इसको हमने यहाँ पर निकालना है। देखिए ऐसे करके हमारा डिज़ाइन आ जाएगा, दोनों साइड से आप देख सकते हो उसको। अब हमने यहाँ पर उसको घुमाना है, घुमाने के बाद में यहाँ पर तीन चैन हम बनाएंगे, एक दो तीन। फर्स्ट वाली चैन हमने स्किप करनी है और यहाँ पर हमने इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो दो हमारे पास में हो गए हैं, फिर हम दो बार धागा लपेटेंगे और इसके साथ में हमने ये वाला जो रेड कलर का डिज़ाइन है, लास्ट वाली चैन हम यहाँ पर इसके अंदर इसको अटैच करेंगे। तो आप ध्यान करिएगा, इस साइड हमने अटैच बाद में करना है, पहले हमने यहाँ पर इसको अटैच करना है। इसके साथ में हमने इसको अटैच किया है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे और ये चैन हमने स्किप करनी है, इसके अंदर डालकर और इस चैन को इसके साथ में हमने इसको बनाना है। ऐसे करके आप इसको पकड़ लें, दो दो करके आपने इसको निकालना है। फिर हमने यहाँ पर तीन चैन बनानी है, दो बार धागा लपेटना है और ये जो हमारे पास में तीन चैन है इनको हमने हमेशा स्किप करना है, इसके अंदर डालकर। और यहाँ पर देखिए आप, एक चैन हमारे पास में बची हुई है, इस चैन के अंदर हमने क्रोशिया डालना है और इसके साथ हम तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन बहुत सुंदर है, अगर आप इसको समझ गए तो आप इसमें कैप बना सकते हो या जैकेट बना सकते हो, कार्डिगन में आप इसको बनाएं, बहुत ही सुंदर ये लगेगा। यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद हमने लास्ट वाली चैन के अंदर डालकर, तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में डालकर हमने इसमें दो दो करके इसको निकाल देना है। अब ये धागा हमने यहीं पर छोड़ देना है और इसको हमने लेना है। यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे, दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद आप देखिएगा इसके अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर देखिएगा यहाँ पर हम इस चैन के अंदर इसको अटैच करेंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको हमने अपनी तरफ को ऐसे पुश करना है और ये वाला ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर डालकर हमने इसमें ऐसे करके डिजाइन बनाना है। तीन बार हम इसको निकालेंगे।
ऐसे ही करके हमने इसको रिपीट करना है। तीन चैन बनाएंगे, दो बार धागा लपेटेंगे और इसको हमने अपनी साइड ऐसे करना है। फर्स्ट वाली चैन होगी और लास्ट वाली चैन के अंदर हमने इसको डालकर ऐसे बनाना है। यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे, इसको हमने ऐसे बनाना है। तीन चैन बनाएंगे, देखिए दोनों साइड से हमारा डिजाइन इस तरह से बनेगा। ये देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर डिजाइन ये बना है। आप इसको जरूर ट्राई करें। आप एक बात का ध्यान करेंगे, जब हमने इसको यहां पर ये धागा छोड़ा हुआ है तो इससे पहले जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो ये डिजाइन हमारा बिल्कुल बराबर बनेगा, यानी कि इसमें हमने इसको पुश नहीं करना है। जब ये दो हाथ हमारे हो जाएंगे, जब हम इसको डबल बना देंगे, उसके बाद में हमने ये रेड वाला बनाना है, तो अभी हम इस डिजाइन को हमने ऐसे पुश करके तब बनाना है। तो अभी देखिए आप, ये यहाँ पर पूरा बराबर आ रहा है, तो ये बराबर ही डिजाइन हमारा बन जाएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। दो बार हमने इसमें डबल करोशिया बना लिया है, ट्रिपल करोशिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये लास्ट वाली जो यहाँ पर चैन है, इसके अंदर हम इसको डालकर इससे अटैच कर देंगे। तो इससे हमारा जो डिजाइन है वो इस साइड को घूम जाएगा, इस साइड में घूम जाएगा। फिर हमने यहाँ पर तीन चैन बनानी है, और ये देखिए आप, ये चैन हमने स्किप करनी है, इसके साथ में हमने इस चैन को अटैच करना है। देखिए यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और ये जो चैन है इसके अंदर हम इसको डिजाइन को बनाएंगे। फिर तीन चैन हमने यहाँ पर बनानी है, लास्ट वाली चैन हमारे पास में है, इसके साथ में हमने इस चैन को अटैच करना है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे पास में ये डिज़ाइन भेजा हुआ है, बोला मैम इसको आप ज़रूर बताइए। ये देखिए इसको हमने यहाँ पर छोड़ देना है। अब ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ से हमने इसको बनाना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये बनकर तैयार हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।